ଟେ ଭାରତ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡଲାଇନ୍ସ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 131,000 କୋଟି ECGC ର ଆସିବ IPO दिल्ली में अमित शाह घरे कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह सह आलोचना पहुंचले गत काली ठारु दिल्ली में अच्छा अमरिंदर पंजाब मुख्यमंत्री हटा जा पर कांग्रेस अच्छा असंतुष्ट आणविक नीति बाबदे विश्व समुदाय आगे स्पष्ट मत रखिला भारत निज आड़ केबे प्रथमे आणविक अस्त्र व्यवहार करना आणविक अस्त्र नथिबा राष्ट्र उपरे केबे प्रयोग करना कहले वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला पंजाब परे कांग्रेस उपरे एबे दिल्ली उठिला प्रश्न दल पाखरे अध्यक्ष नथिबा दुर्भाग्यजनक कहले कपिल सिब्बल राहुल को परोक्ष रे कले निशाना कहिले जो माने निकटतर थिले सेमाने भी छाड़ी पलाउछन्ते एवं आज विश्व हृत्पिंड दिवस हृत्पिंड व हृद्रोग संपर्क में लोकों सचेतन कराइबा विभिन्न स्थान में कार्यक्रम 2000 मसीहारु पालित होउछि एही दिवस संपूर्ण खबर को आसीबा दिल्ली में अमित शाह घरे कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह सहित आलोचना पहुंची गत काली ठारु दिल्ली में अच्छा अमरिंदर पंजाब मुख्यमंत्री हटा जा पर असंतुष्ट थिले अमरिंदर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह घरे पहुंचले अमरिंदर सिंह निकट पंजाब मुख्यमंत्री पदर हटा जा पर असंतुष्ट थिले अमरिंदर मुख्यमंत्री पदर हटाइबा पर असंतुष्ट थिले अमरिंदर ए बाबद अधिक सूचना गगन विश्वाल आम दिल्ली प्रतिनिधि फोन लाइन में जोड़ी होती गगन आम जब देखा गत काली ठारु दिल्ली में अच्छा अमरिंदर पंजाब मुख्यमंत्री पदर ताकू हटा जा पर से असंतुष्ट रही एवं आज अमित शाह को साक्षात करवा आहुरी अधिक चर्चा को खोराक जोगाउछि देखो निश्चित भाव लग्ना बर्तमान पाखापाखी 15 मिनिट रु अधिक सब उभय आलोचना जारी रही जहां कहु पंजाब रो कांग्रेस नेता मैंने रही सीधा साल बर्तमान प्रतिक्रिया दूसरी कहीं गत काली अमरिंदर मना करते कि मुझ निजर बासभवन खाली करने सरकारी बासभवन कौन का मिसार मोर कार्यक्रम ना जिते क्वेश्चन पचरा आप जेपी नड्डा कि अमित शाह को भेटुंट कि यार उत्तर से सफा सफा कही निश्चित भाव मुझ सरकारी बासभवन खाली करने आंतु आज जिते से भेटुंट बर्तमान कंग्रेस सफे दूसरी कंग्रेस नेता मैंने कहते चाषी मान समस्या आलोचना करने से अमित शाह पाखक जाते देखुवे पाखापाखि बसे तमाम जो ढंग से चाषी आंदोलन ना बॉर्डर को सील कर रखा गोटे टेनसन बारंबार सृष्टि करने चेषा कर आग को जो निर्वाचन रही ये गोटे बड़ समस्या सृष्टि करने बारंबार चेषा करी चाषी समस्या नहीं कि अमित शाह सहित आलोचना करी कि बाट बर्तमान बाहर करमरिंदर तेज निश्चित भाव पुणी थे अमरिंदर हिरो बनवे पंजाब में कहीं बर्तमान देखिए बर्तमान से मुख्यमंत्री दायित्व में ना जिते मुख्यमंत्री दायित्व थे से कौटना कौटी किसी दिन पूर्व जी आप प्रतिक्रिया देखिए जे पंजाब छोड़ के जाओ मानने चाषी मानक से सीधा तल कही कहीं अब्सटाकल गोटे क्रिएट हो सरकार को गोटे अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि कर बारंबार स्ट्राइक आल में तेणु सी चाहू ना ये चाषी आंदोलन आग को आहरी बढ़ू कहीं निज आड़ अड़ुआ वृद्धि होगी कंट्राक्ट फार्मिंग नहीं कि से निजे बिल पारित करते कृषि आईन को लेकिन से माने विरोध करने इंडायरेक्टली जाते निजे कंट्राक्ट फार्मिंग आईन को पारित करते तेणु कौटना कौटी ये समस्या को लेकिन हुए तो आलोचना आल में कांग्रेस वर्तमान तार भविष्य को किभले सजाड़ी बस एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर देखो स्मृति लग्ना केवल पंजाब इश्यू होगी ना कि आज जो भाव कपिल सिब्बल कांग्रेस सब वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम कहतु कपिल सिब्बल कहतु एम गुलाम नबी आजाद कहतु एम बहुत दिन एक्सपीरियंस रही सेमान जिते विश्वोद्गार कर कपिल सिब्बल अनेक समय किसी दिन पूर्व 35 जन नेता चिठी लिखिले दिल्ली दरबार में सब आंचलिक दल मानक लेकिन एकजुट करके बैठक कले आज सीधा साल कहते पार्टी अध्यक्ष पद ना सबुठ गोटे
ଯଦି କହିବେ ଏତେ ବର୍ଷର ଦଳ ଯୋଉଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାମ ଚଳା ଯାଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କନ୍ୟାକୁମାର ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଗଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ସେ ବୈଠକ ଚେୟାର କରୁଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁମାର ଫାଇଟ୍ କଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ସେଠି ଚେୟାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଚେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବିନି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖୁଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଆରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯୋଉଠିକି ସରକାର ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସଚିନ ପାଇଲଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗେହଲଟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଟସଲ ଜାରି ରହୁଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପଞ୍ଜାବରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ 2014 ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଅପୂର୍ବଙ୍କ ସହିତ, ଯେ 2017 ପଞ୍ଜାବରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ବିଜେପିକୁ, ଏବଂ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ହିଁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅମରିନ୍ଦର ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚନ୍ନି କେତେ ଚରଣଜିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦିଆଗଲା ସେ ନିଜେ ଦଳ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ନିଜ ଘର କଳି କଥା ଦେଖିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବ, ଏବଂ ନିଜେ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ଯେଉଁଠି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଅସଜଡ଼ା ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବ, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଇଏ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ମାର୍କକୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୟନ ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ଦଳ ଯେତେ ଯୋଉଟାକି 70 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳରେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ କାମ ଚଳୁଛି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକ ହଉନି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗଗନ, ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଘରେ ଅମରିନ୍ଦର 15 ମିନିଟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଅମରିନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ପକ୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ଯେ ବିଜେପିରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ। ପଞ୍ଜାବରେ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କପିଲ ସିବଲ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଥିବା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କପିଲ ସିବଲ। ଏଥିସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିକଟତର ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए, सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुनाया स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट, so we don't know who is taking these decisions, we know and yet we don't know।
पंजाब कांग्रेस राजनीति में घड़ी के घोड़ा छुटुची। पंजाब पीसीसी अध्यक्ष पद इस्तफा पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी निजर प्रतिक्रिया रखिंट चन्नी कहते नवजोत सिंह सिद्धू आलोचना करी कथा हो यार समाधान पर अपिल करी दलर अध्यक्ष जी हेले भी से पर मुखिया सिद्धू को फोन करी कही जे से पार्टी सुप्रिमो एथस पंजाब मुख्यमंत्री कहते कौन से प्रसंगे भी आलोचना प्रस्तुत नेता बस आलोचना करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केन्द्र कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण कर सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी देश में 11 लाख अधिक सरकारी स्कूल और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल छात्र छात्री यार लाभ पाए यह योजना अधीन छात्र छात्री को मध्यान भोजन दिजाव आगामी 5 वर्ष 1.31 लाख कोटी टंका खर्च होने भाव में मध्यप्रदेश नीमच रतलाम लाइन दोहरीकरण को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी मोदी सरकार रप्तानी उपर विशेष ध्यान देउछंती बोली केंद्र मंत्री पीयूष गोयल कहिछंती सेप्टेम्बर 21 सुधा 185 बिलियन डॉलर रप्तानी हो सारी से भले भाव एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आहुरी 4400 कोटी टंका दिजाव एसत स्टॉक एक्सचेंज रे ईसीजीसी लिस्टिंग प्रक्रिया आरंभ होगा एनईआईए को 1650 कोटी टंकार अधिक पूंजी दिजाव जद्वारा छोट उद्योग एवं कृषि क्षेत्र सह जड़ित रप्तानी को प्रोत्साहन मिल पार। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है। एनईआईए ट्रस्ट एक जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने का ट्रस्ट है उसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ये ट्रस्ट है और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1,650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। मोदी जी की सरकार पोषण को महत्व देती है। हमारी नई पीढ़ी में विशेष करके स्कूली बच्चों में ठीक ठाक न्यूट्रिशन वैल्यू रहे पोषण युक्त खाद्य उनको उपलब्ध हो इसलिए आज कैबिनेट ने आने वाले 5 साल के लिए 2021-22 से लेके 2025-26 तक 5 साल के लिए लगभग 1,31,000 करोड़ रुपया की खर्चे में प्रधानमंत्री पोषण पीएम पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। पोषण का अर्थ हुआ पोषण शक्ति निर्माण बच्चों में पोषण शक्ति निर्माण हो बढ़े इसलिए प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ इसी 1,31,000 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुमति आज दिया गया। आने वाले दिनों में इस पोषण के साथ जुड़े हुए जो स्कूल में कुकिंग करने वाले जो हमारे पाचक पाचिका मित्र हैं बहनें हैं उनकी बैंक खाते में सीधा उनकी मानदेय जाए स्कूल में जो खर्चा होगा उस स्कूल को सीधा राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से उनकी हिस्सा भेजे ऐसे सारे रिफॉर्म्स के साथ पहली बार जो प्री स्कूल बच्चे स्कूल में फॉर्मली आयु वर्ग 3 से 5 तक आएंगे
उनके लिए भी प्री स्कूल एक्टिविटीज जो शुरू होगी उनको बाल वाटिका में भी ये पोषण पीएम पोषण में उनको जोड़ा जाए, ये भी निर्णय किया गया है। पॉजिटिव भारत रे समय छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे देखिबा निजरो आणविक नीति बाबद रे विश्व आगरे मत रखिछि भारत। निजर आणविक नीति बाबद्रे पुणि थरे विश्व समुदाय आगे स्पष्ट मत रखिला भारत। भारत केवे निज आड़ प्रथम कौन प्रकार आणविक अस्त्रशस्त्र का उपरे प्रयोग करना केवल से नुह जो राष्ट्र पाखे आणविक अस्त्रशस्त्र नहीं प्रयोग करना कौन से आणविक अस्त्र जातिसंघ साधारण परिषद एक उच्चस्तरीय बैठक में भारत आणविक नीति बाबद्रे स्पष्ट कर वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला निकट पालित हो जाएगी इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। से अवसर में जातिसंघ साधारण परिषद में आयोजित बैठक में भारत निजर आणविक नीति विषय स्पष्ट भाव मत रखी विश्वर मंगल पर भारत विभिन्न पर्यायर किभली आणविक निरस्त्रीकरण दिगरे गति करुछि ताहा प्रकाश कर वैदेशिक सचिव। The International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. It provides a valuable opportunity for the international community to reaffirm its commitment to global nuclear disarmament and to enhance public awareness about the objectives of the total elimination of nuclear weapons. Mr. President, India is committed to the goal of universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament leading to the complete elimination of nuclear weapons. Consistent with the highest priority accorded to nuclear disarmament by the final document of the first special session of the UN General Assembly on disarmament, India believes that the goal of nuclear disarmament can be achieved through a step-by-step process underwritten by a universal commitment and an agreed multilateral framework that is global and non-discriminatory. India's approach is outlined in our paper submitted to the UNGA First Committee in 2006 and to the Conference on Disarmament in 2007, which has an enduring relevance. Mr. President, India's annual resolution in the UN General Assembly on the Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons, tabled since 1982, enjoys wide support of the membership and calls on the Conference on Disarmament to commence negotiations in order to reach agreement on an international convention prohibiting the use or threat of use of nuclear weapons under any circumstances. देशरे आखिदृश्य भावरे ह्रास पाई कोविड संक्रमण लगातार दुई दिन धरी 20,000 तले रही दैनिक संक्रमण संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों मिलता सूचना हिसाब से गत 24 घंटा भितर देश में दैनिक संक्रमण संख्या रही मात्र 18,870 यार भितर 28,178 जन रोगी आरोग्य लाभ कर आरोग्य हार पहुंची 97.13% जहाँ गत मार्च में सबुठ सर्वाधिक वर्तमान देश में सक्रिय संक्रमण संख्या रही 212,520 बा एतिक संख्यक संक्रमित व्यक्ति चिकित्सित होती गत 24 घंटा भितर देश में मोट 378 जन कोविड मृत्यु होता सूचना रही। तृतीय लहर आशंका भितर संक्रमण ह्रास पाइबा देश एक प्रकार आश्वस्ति आनी कैमरा सामने सत मानिला गिरफ आतंकी अली बाबर स्वीकार कला पाकिस्तान सेना देथला ट्रेनिंग विस्फोरण घटाइबा को पठाइथिला आईएसआई उरी भली विस्फोरण घटाइबा को योजना थिला टंका लोभरे लश्कर रे होइथिला शामिल भारतीय सेना लश्कर एक आतंकी को जीवंत धरिथिबा बेले एबे गोटे परे गोटे बड़ खुलासा सामना को आसीछि 19 वर्षर लश्कर आतंकी अली बाबर कैमरा सामने स्वीकार करिछि
से पाकिस्तानर आतंकी 2016 उरी विस्फोरण भली बड़ आतंकी आक्रमण घटाइबा उद्देश्य रे अनुप्रवेश करथिबा कथा स्वीकार करिछि। सेभले ताको 3 मास पर्यंत ट्रेनिंग दिया जाइथिबा से मध्य कहिछि। ट्रेनिंग देउथबा अधिकांश लोक पाकिस्तानर सेनार जवान रहिथिबा से स्पष्ट करिछि। जो मैं साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर करा फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे फिर इतने तो ऊपर के जो रहते थे मंत्र आना था वो भी पीछे भाग चार लोग पीछे भागने बाकी और हम दो अंदर आग कार के अंदर एक बार कर गए थे तो कार में हम ऐसा लगे कि हम वापस जाते हैं आगे नहीं जाना फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तानी आर्मी ने बाबे को घेरा और सील कर लिया। कोरोना महामारी को नहीं गत 2 वर्ष है सारा विश्व में आतंक लगि रही। तेज आप जानते कि कोरोना जो पृथ्वी में जिते लोकों मृत्यु होनी प्रत वर्ष ताधिक लोक हार्ट अटैक हृदरोग जो प्राण हरा भारत में प्रत वर्ष हृदरोग प्राण हरा लोकों संख्या लगातार भाव में बढ़ी चलती। विशेषकर 25-60 वर्ष बयस लोक ए रोग में अधिक मात्र शिकार होता देखा मिली। आज विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे अवसर में आम स्पेशल रिपोर्ट। कौन आपणंक हृदय भयभीत कि आपणंक हृदस्पंदन हठात बढ़ी जाउछि कि प्रश्वास नेबा बेले आपणंकु कष्ट हेउछि कि हठात छाती रे यंत्रणा हेउछि कि ए सबु प्रश्नर उत्तर जदि ह ताहा हेले सावधान होइ जानतु कारण ए सबु लक्षण हृद रोगर होइ पारे आपण भी देशर सही 69 कोटी लोकंक भितरे शामिल जो मानंकर हृदयर स्वास्थ्य संदेह घेरें एपरी कही आम आपण को डरवाक चाहूनु सचेतन करने को चाहूँ से प्रतिवर्ष 29 सेप्टेम्बर को वर्ल्ड हार्ट डे बा विश्व हृदय दिवस भाव में पालन करन कर उद्देश्य हेउछि हृदय स्वास्थ्य विषय में लोकं सचेतन करने। विश्व हृदय दिवस पालन प्रथम 2000 मसीह आरंभ होता पूर्व यह प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मसर शेष रविवार दिन पालन कर किंतु 2014 मसीह एक विशेष दिन अर्थात 29 सेप्टेम्बर में पालन पर स्थिर करा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन तथ्य अनुजाई प्रतिवर्ष विश्व 1,86,00,000 लोक हृदरोग प्राण हरा विश्वव्यापी लोकों मृत्युर सबुठू बड़ कारण पलटि जितेबले हृदय मांसपेशी को रक्त जोगाण बाधाप्राप्त हुए से जड़े व्यक्तिर हृदघात होता है। धूमपान उच्च चर्बीजुक्त खाद्य मधुमेह उच्च कोलेस्ट्रॉल उच्च रक्तचाप और मोटापण हृदरोग सबुठू बड़ कारण विवेचना करा जाए। गत किछि वर्ष भितर हृदघात पीड़ितों संख्या द्रुत गति में बढ़ी जो अधिकांश लोक 30-50 वर्ष बयसर। विश्वर सबुठ बड़ मेडिकल जर्नाल द लानसेट्र तथ्य अनुजाई 1990 भारत में 13 लक्ष लोक हृदरोग प्राण हर जहाँ देश में से ही वर्ष होता मोट मृत्युर 13% था। तेबे 2016 देश में 28 लक्ष लोक हृदरोग प्राण हर जहाँ से ही वर्ष होता मोट मृत्युर 28%। यह तथ्य कहुची समय सह ताल दे हृदरोगी संख्या देश में बढ़िवारे लगी जदि सचेतन न आगक यह आपण जीवन को संकट में पकईपे। वर्तमान कोरोना काल में विश्व हृदय दिवस पालन गुरुत्व वृद्धि पाई कारण महामारी जो लोकों ठारे हृदय संबंधी समस्या द्रुत गति में वृद्धि पाई। डाक्तर कहवा है कोरोना महामारी हेतु लोकों दैनंदिन कार्य और चलप्रचल ह्रास पाई जो लोके हृदय संबंधी रोग से पीड़ित होती स्थित नियमित स्वास्थ्य परीक्षा कराइबा एक उन्नत जीवनशैली आपणाइवा जरूरी। चलित वर्ष विश्व हृदय दिवस थीम रखाई संजोग करने हृदय व्यवहार करूँ। विश्व हृदय दिवस 2021 लक्ष्य होउछि विश्वव्यापी हृदरोग सचेतनता प्रतिरोध और परिचालना डिजिटल स्वास्थ्यर शक्ति व्यवहार करिबा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कहिबा हला जदि लोके तमाखु सेवन अस्वास्थ्यकर खाद्य और विशृंखलित जीवनशैली को त्याग करिबे ताहाले 80% अकाल मृत्यु को रोका जाय पारिबो। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पॉजिटिव भारत को एठो किबा बिदाय दो। नमस्कार।